भारत भूटान सीमा क्षेत्र की एक बच्ची को इस रक्षाबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने का मौका मिल रहा है। डुअर्स के अपर चेंगमारी भूटान सीमा के पास रहने वाले दिलनाथ शर्मा की पोती राजेश शर्मा की बेटी सृष्टि शर्मा को यह मौका 30 अगस्त के रोज मिलने जा रहा है। बच्ची के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने के अवसर खबर मिलने से पूरा अपर चेंगमारी इलाके में हर्ष का माहौल उत्पन्न हो गया है। सृष्टि के पिता राजेश शर्मा ने बताया कि वो अपर चेंगमारी के रहने वाले हैं और जॉब के सिलसिले में वो अपनी बेटी और धर्मपत्नी के साथ पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। इधर हालांकि उन सभी का अपर चेंगमारी में हमेशा आना जाना लगा रहता है। इधर दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के वसुंधरा इंक्लेवेस में स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में उनकी बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इधर स्कूल के 3 बच्चियों को इस वर्ष 30 अगस्त के रोज प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधने का मौका मिला है, जिसमें उनकी पुत्री सृष्टि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बच्ची को प्रधानमंत्री से मिलने और उन्हें राखी बांधने का मौका मिलने की खबर से हमारा पूरा परिवार और इलाका खुशी में झूम उठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची स्कूल में काफी फास्ट फॉरवर्ड बच्चों में से एक है और वह हमेशा विभिन्न स्पीच आदि में हिस्सा लेती रहती है। बच्ची अपने हाउस की उप कप्तान भी है। उन्होंने कहा कि हम सभी बच्ची के प्रधानमंत्री से मिलने मात्र की खबर से काफी हर्षित हैं। भारत भूटान सीमा क्षेत्र की एक बच्ची को इस रक्षाबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने का मौका मिल रहा है। डुअर्स के अपर चेंगमारी भूटान सीमा के पास रहने वाले दिलनाथ शर्मा की पोती राजेश शर्मा की बेटी सृष्टि शर्मा को यह मौका 30 अगस्त के रोज मिलने जा रहा है। बच्ची के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने के अवसर खबर मिलने से पूरा अपर चेंगमारी इलाके में हर्ष का माहौल उत्पन्न हो गया है। सृष्टि के पिता राजेश शर्मा ने बताया कि वो अपर चेंगमारी के रहने वाले हैं और जॉब के सिलसिले में वो अपनी बेटी और धर्मपत्नी के साथ पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। इधर हालांकि उन सभी का अपर चेंगमारी में हमेशा आना जाना लगा रहता है। इधर दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के वसुंधरा इंक्लेवेस में स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में उनकी बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इधर स्कूल के 3 बच्चियों को इस वर्ष 30 अगस्त के रोज प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधने का मौका मिला है, जिसमें उनकी पुत्री सृष्टि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बच्ची को प्रधानमंत्री से मिलने और उन्हें राखी बांधने का मौका मिलने की खबर से हमारा पूरा परिवार और इलाका खुशी में झूम उठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची स्कूल में काफी फास्ट फॉरवर्ड बच्चों में से एक है और वह हमेशा विभिन्न स्पीच आदि में हिस्सा लेती रहती है। बच्ची अपने हाउस की उप कप्तान भी है। उन्होंने कहा कि हम सभी बच्ची के प्रधानमंत्री से मिलने मात्र की खबर से काफी हर्षित हैं।